नमस्कार, मैं नम्रता सिंघानिया, प्रेसिडेंट लक्ष्मी लेडीज क्लब। आज के इस मौके पे मैं आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपके जीवन में खूब खुशियाँ हों और ये जो दीपावली के दिए हैं सबके जीवन में खूब उजाला लेके आए, और साथ ही अपने देशवासियों के लिए और ख़ास तौर पे पंजाब के लोगों के लिए मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगी कि हम सबसे पहले अपने घर की और आसपास की जो लक्ष्मी है, जो हमारी बहू बेटियां हैं, उनको इज्जत दें, मान दें, तो ऑटोमेटिकली हमारे घर में भी लक्ष्मी का निवास ज़रूर होगा। और जो हमारा ये नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको हम और आगे लेके जाएं, क्योंकि हम लेडीज़ क्लब हैं तो हम चाहते हैं कि लेडीज़ जो हैं उनको हम थोड़ा और सशक्त करें पढ़ाई के द्वारा। और साथ ही मैं वेलकम करती हूँ हमारी सरकार के इस डिसीजन का, जो उन्होंने पर्यावरण की तरफ थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इस बारी पटाखों पर थोड़ी रोक लगाई है, और हमारे यहाँ पंजाब में तो उन्होंने कुछ समय बंधित कर दिया है जिससे लोग एंजॉय भी कर सकते हैं, पर साथ साथ हम कॉन्शियस भी हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना है। जो हमारा पर्यावरण हमें इतना कुछ देता है, हमारे जीवन का आधार है, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्यावरण के लिए। हैव अ सेफ दिवाली, हैव अ ग्रीन दिवाली, हैव अ हैप्पी दिवाली। मेरा नाम रवनीत कौर है, मैं गायत्री लेडीज़ क्लब की एडवाइजरी मैंबर हाँ, लक्ष्मी लेडीज़ क्लब की मैंबर हाँ, तो मैं इफ्टा भी ज्वाइन किया चंडीगढ़ के इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। मैं बहुत सारे प्लेस किए चंडीगढ़ के, ये लघु किस्ता है, छिपन तो पहला, चन्नोबाजी करनी, हजार चौरासी की माँ, नटी विनोदनी, तो हमने हमने मैं एक प्ले करके आई हाँ अंबाला के, सोलो प्ले नादिरा बब्बर जी का लिखा हुआ जी, जैसी आपकी मर्जी। तो ये जान के खुशी होएगी कि 19 अक्टूबर में वर्ल्ड वाइड PTC चैनल के उत्ते जॉन पेटी जी का गाना आ रहा है, मेरा क्यों करता नहीं, वो भी मैं एक्ट किया है। तो इस दिवाली के मौके पर मैं थानू सबनों शुभकामनावान दिनी हाँ, तो यही कहना चाहवागी रब करे दिवाली रोज़ रोज़ आवे, दिलों के प्यार के दीवे जगावे, सांझी वालता का पैगाम घर घर पहुँचावे, हर चेहरे पर खुशियां लेके आवे। तो यही संदेश देना चाहवागी कि हर एक इंसान को वड्डियां का आशीर्वाद मिले, अपनों का सहयोग मिले, तो जीवन दियां सारियां ही खुशियां मिलन। तो विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली मैं अपने परिवार वालों तो अपने वालों विश यू ए वेरी। मैं शेरी गोयल, एडवाइजरी गायत्री क्लास, मैं थोनों ते थोड़े सारे परिवार ने दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिनी हाँ, तो ये आशा करती हाँ कि ये दीपावली थोड़े लिए बहुत सारी खुशियां ते बहुत सारी रौनक लेके आए, ते तुसी सारे परिवार नाल बहुत ही खुशियां मानो, ते आनंद नाल लो, ते आने वाला साल बहुत ही बहुत शुभ हो। हैप्पी दिवाली टू ऑल। मैं सिमी चोपड़ा प्रशांत, स्टेट प्रेसिडेंट ए कास्ट वीमन हेल्पलाइन NGO और सेक्रेटरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की लगाई हुई जिम्मेवारी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ग्रीवियंसिस सेल दी बतौर चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन सेवा कर रही हूँ। और आज के दिन मैं सारे देशवासियों को, अपने पंजाब वासियों को, अपने शहर वासियों को सब नूं दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद दिनी हाँ, और नाल ही ये बेनती करती हाँ कि ये दिवाली जी असीं मना रहे हैं सब वास्ते बहुत खुशियां भरी होवे, बहुत खुशियां ले आए, और असी इस दिवाली नूं एक ग्रीन दिवाली के तौर पर अपनाई, और प्रदूषण तो रहित असी हंसते खेडते खुशियां मनाते फल मिठाइयां खाइए, रंगोली बनाइए, खुश एक दूसरे नूं मिलिए, सत्कार करिए, खुशियां नाल मनाइए, लेकिन इसनों असी ग्रीन दिवाली के तौर पर मनाइए। मैं मनप्रीत पिनेकल एजुकेशन एंड इमिग्रेशन से सब PTV के दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, और मैं सब लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूं। सो ये दीपावली का त्यौहार सब लोगों को बड़े पॉम्प एंड शो से मनाना चाहिए, विदाउट बर्निंग द क्रैकर्स, बिकॉज दीज क्रैकर्स आर वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द चिल्ड्रन। सो इससे बच्चों को नुकसान ना हो, तो इस त्यौहार को हम बहुत ही खुशी से मनाएं, और सो इस एक बार फिर मैं सबको बोलती हूँ हैप्पी दिवाली। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी,
चलते रहिए जनाब। माई सेल्फ बीना बावा, आई एम दी वाइस प्रेजिडेंट ऑफ सराबा लेडीज क्लब एंड इन दी एग्जेक्टिव ऑफ लक्ष्मी लेडीज क्लब। मैं अपने और अपने सभी साथियों के साथ आपको शुभ दिवाली और दिवाली कैसे मनाई जानी है ये बताना चाहूंगी। हम हर साल बहुत सारे पटाखे जलाते हैं और मैं कहूंगी कि हम काफी हद तक अपने पैसों को ही जलाते हैं और अपनी जितनी भी वातावरण है उसमें इतनी पोल्यूशन और जो बीमार लोग होते हैं उनको तकलीफें देते हैं। मेरी ये सजेशन है कि आप अपने बच्चों को अपने पास बिठा के प्यार से गले लगा के उनको मिठाइयाँ खिलाएं, उनके साथ खेलें और उनके साथ ही खुशियाँ मनाएं। और एक और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जितने भी आपके पास कुछ गिफ्ट पड़े होंगे, कुछ छोटे छोटे दिए होंगे, पटाखे होंगे, इनको लेके आप गरीबों में जाके बांटें और उनको भी खुशियाँ दें। इससे बेहतर दिवाली आप नहीं मना सकते। धन्यवाद।